हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, जो कि टेक्निकल एग्जाम्स के लिए है। तो आप www.azuexam.com वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हैं। ये सभी भर्तियों से रिलेटेड है और सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। 15+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपके 149 रुपये में। प्रत्येक टेस्ट में होंगे 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय होगा आपके लिए प्रत्येक टेस्ट के लिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में करके देख सकते हैं और प्रत्येक टेस्ट के बाद में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और गलत जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा होगा। अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप कितनी बार करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेस्ट नंबर 70 azuexam.com, इस वेबसाइट को लिंक दिया गया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 70 आप सभी को पता होगा, इससे पहले 69 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 69 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है ये टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण क्षमता क्या होती है दोस्तों? 40.6%, 60.0% या 200% या 90%? जल्दी से बता दीजिए, जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। अर्ध तरंग जो दिष्टकारी होता है यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसकी दिष्टकरण क्षमता के बारे में यहाँ पे पूछा गया क्या होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 40.6% होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग में लिया जाता है, ये भी नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है दोस्तों, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? बास्केट वाइंडिंग में होती है या चेन वाइंडिंग में होती है या डायमंड वाइंडिंग में होती है या विषम वाइंडिंग में होती है? जल्दी से बता दीजिए, जिस विकेंडेट को इसका आंसर पता है। टाइप कर दीजिए, किस प्रकार के वाइंडिंग में कुंडलियाँ होती है या जो कुंडलियाँ होती है वो एक दूसरे के साथ छादित होती है यानी इंटरकनेक्टेड होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चेन वाइंडिंग में ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी चेन या जिसको फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग में कोयलें होती है वो एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी होती है, छादित होती है। और इस प्रकार की वाइंडिंग क्या होता है, प्रति पोल प्रति फेज क्वाइल्स की संख्या होती है वो एक से अधिक रखी जाती है, और क्वाइल्स होती है वो दो आकार की बनाई जाती है और प्रत्येक स्टेटर खांचे में दो क्वाइल्स के पार्श्व में यानी उनके समांतर में स्थापित किए जाते हैं, ये भी नोट कर लेना साथ में। और यह वाइंडिंग देखने में एक जंजीर वाइंडिंग की तरह होती है, इसलिए इसको चेन वाइंडिंग बोला जाता है। और यह वाइंडिंग सिंगल फेज एसी पंखों में स्थापित की जाती है। तो यह वाइंडिंग किस में स्थापित की जाती है, जो सिंगल फेज वाले एसी विद्युत के पंखे होते हैं उनमें की जाती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा दोस्तों। अब बात आती है, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? वेरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं जिसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिसको LED भी प्रदर्शित किया जाता है। टाइप कर दीजिए, जिस भी कैंडिडेट का आंसर पता है। वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर्स जो रेगुलेटर्स होते हैं उनमें जीनर डायोड काम में लिया जाता है। जीनर डायोड एक उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड माना जाता है, जो कि विशेष रूप से रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र होता है उसमें प्रचालित करने हेतु बनाया जाता है। और इस डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो सामान्यतः पीएन जंक्शन डायोड से कम होती है। कौन से डायोड से कम होती है? जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे हमेशा कम होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा जीनर डायोड का सिंबल, तो इसका सिंबल इस टाइप से होता है, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है यहाँ पे, और ये इसका सिंबल है जीनर डायोड का, यानी सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आते हैं दोस्तों, पीक फैक्टर इज ए रेशियो, पीक फैक्टर खाली स्थान का अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है? औसत मान की तुलना में आरएमएस मान का, या औसत मान की तुलना में अधिकतम मान का,
यानी मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, या आरएमएस रूट मीन स्क्वेयर मान तुलना में चरम मान का, या अधिकतम मान की तुलना में आरएमएस मान का। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, टाइप कर दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर बताइए। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अधिकतम मान की तुलना में जो आरएमएस मान होता है उसका होता है हमेशा अनुपात। अब ध्यान से देख लेना पीक फैक्टर बराबर क्या होता है, थोड़ा मैं नीचे करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे लिख के। तो यहाँ पे लिख लेना पीक फैक्टर बराबर में इसका सूत्र होता है दोस्तों शिखर मान, शिखर मान बटा में हो जाएगा इसका प्रभावी मान। प्रभावी मान क्या होता है, यानी आई मैक्सिमम वैल्यू बटा में आई आरएमएस वैल्यू। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है √2, ये भी ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर किसके उपयोग से शुरू किया जा सकता है? ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा, या 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, या DOL स्टार्टर के द्वारा जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला जाता है, या 3 फेज सॉरी 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है, जैसा भी आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी DOL स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी क्षमता कितनी है 5 HP, यानी 5 अश्व शक्ति हॉर्स पावर। तो इसका मतलब जो DOL स्टार्टर का उपयोग होता है वो 3 HP से लेकर अधिकतम 5 HP तक की जो स्क्विरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटरें होती है उनको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कम से कम 3 HP और ऊपर में 5 HP तक की जो स्क्विरल केज प्रकार की मोटर होती है उनको चलाने के लिए ड्यूल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 HP लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 6 HP होता तो इसको इससे स्टार्ट नहीं किया जा सकता था ड्यूल स्टार्टर के द्वारा, फिर उसको ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा ही चलाना पड़ता। समझे आगे होगा आपसे को। अब बात आती है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की, उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णितर यानी रोटर्स क्या होते हैं? विशिष्ट पोल घूर्णितर होते हैं, या बेलनाकार टाइप के होते हैं, या दोहरे प्रकोष्ठ प्रकार के होते हैं, या गहन छड़ कोष्ठ प्रकार के होते हैं? तो आप इनको इंग्लिश में देखना चाहते हैं देख लीजिए नीचे वाले, क्योंकि ये सभी ट्रांसलेट किए गए हैं, अगर कोई वर्ड में गलती होती है तो थोड़ा चेक कर लेना। उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर में जो हाई स्पीड वाला होता है तो वहाँ पे किस प्रकार के रोटर्स का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेलनाकार टाइप का यानी सिलेंड्रिकल टाइप के जो रोटर्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है उसके अंदर। तो इस रोटर की जो अक्षीय लंबाई होती है वो तो ज़्यादा होती है, यानी व्यास में तो ये पतले होते हैं, व्यास में पतले होते हैं लेकिन लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान से देख लेना दोस्तों। समझिए आगे होगा आप सीखो। यह किसका बनाया जाता है? यह ठोस स्टील का बनाया जाता है, ठोस स्टील के बनाए जाते हैं ये जो सिलेंड्रिकल टाइप के रोटर्स होते हैं इनको, और क्षेत्र कुंडलन होती है वो स्थापित करने के लिए इसके परिधि पर खांचे कटे होते हैं, यानी इसके ऊपर इस प्रकार से खांचे बने होते हैं, इनके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और इसकी घूर्णन गति कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 1500 से 3000 RPM, ये इस रोटर की स्पीड होती है। तथा आउटपुट कितनी प्राप्त होती है? आउटपुट होती है 50,000 KVA, 50,000 KVA इसकी आउटपुट क्षमता होती है, यानी 50,000 KVA से प्लस होती है, 50,000 KVA से लेकर लगभग 2,00,000 KVA तक होती है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है स्टीम टर्बाइन्स जो अल्टरनेटर्स होते हैं या जो टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये जो बेलनाकार टाइप का रोटर होता है इसका उपयोग काम किया जाता है, एक तो स्टीम टर्बाइन वाले जो अल्टरनेटर्स होते हैं वहाँ पर, एक टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और इनकी आउटपुट कितनी होती है? 50,000 KVA से लेकर 2,00,000 KVA तक। और इनकी घूर्णन गति कितनी होती है? 1500 से लेकर 3000 RPM यानी राउंड प्रति मिनट तक। और ये लंबाई, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इनका व्यास कम होता है, और इसके ऊपर यानी इसके परिधि होती है उसके ऊपर खांचे कटे होते हैं जिसके ऊपर क्षेत्र वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। समझे आगे हो आपसी को।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, विचलन, फिसलन स्लिप, या आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं, या नियंत्रण जिसको रेगुलेशन बोला जाता है, या शक्ति कारक जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उसको स्लिप बोला जाता है हमेशा, यानी प्रेरण मोटर जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं तो उसकी जो तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है जिसको एन एस से प्रदर्शित किया जाता है, सिंक्रोनस स्पीड को एन एस से प्रदर्शित किया जाता है, एन से हो गया स्पीड, एस से हो गया सिंक्रोनस, वास्तविक गति यानी एन से हो गया उसकी गति यानी स्पीड, और आर से हो गया रियल स्पीड, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसको स्लिप बोलते हैं, और स्लिप ज्ञात करने के लिए एस बराबर में होता है एन एस माइनस एन आर, यानी सिंक्रोनस स्पीड में से रियल स्पीड आपको घटानी पड़ेगी, फिर वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी स्लिप क्या होगी उस मोटर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों कौन सा दोलक, दोलक को ऑसिलेटर बोला जाता है, तो ज़्यादा स्थिर रहता है, कौन से टाइप का ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है, वैन ब्रिज ऑसिलेटर, या क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, या कोलपिट्स ऑसिलेटर, या हार्टले ऑसिलेटर, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किस प्रकार का ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, कौन सा होता है, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर होता है। जो क्रिस्टल दोलित्र होता है उसमें आवर्ति स्थिरता का गुण विद्वान होता है दोस्तों, क्रिस्टल की जो कंपन आवर्ति होती है वो उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होती है, उल्टा होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, नोट कर देना। ये भी क्रिस्टल के रूप में क्वार्टज, रोसेल साल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग करके 50 किलो हर्ट्ज के एच जेड यानी 50 किलो हर्ट्ज से 500 या 50 लिख लीजिए यहाँ पे 50 मिली हर्ट्ज, यानी क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग करके आप 50 किलो हर्ट्ज से 50 मिली हर्ट्ज आवृत्ति के दोलित्र बना सकते हैं, यानी ये इनकी क्षमता होती है या इसकी रेटिंग होती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट लगभग कितना होता है, निर्धारित करंट से 1.5 गुना, निर्धारित करंट से कम होता है, या निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है, या निर्धारित करंट के बराबर होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग कैंडिडेट्स को पता भी होगा, बार बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट पूछा गया है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है हमेशा, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो अत्यंत कम होता है, और इसमें अधिकतम धारा के अतिरिक्त प्रारंभिक जो बलागुण या टॉर्क बोलते हैं वो भी कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कम और प्रतिघात अधिक होता है इसका, यानी पावर फैक्टर शक्ति गुणांक कम होता है और प्रतिघात अधिक होता है, ये साथ में नोट कर लेना। तो इसका मतलब निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल किससे जुड़ी होती है दोस्तों, भार के साथ समांतर क्रम में, यानी भार का मतलब है यहाँ पे लोड, या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, या भार के साथ श्रृंखला में, या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स होते हैं तो उनकी फील्ड कॉइल को किसके साथ जुड़ी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में या सीरीज में जुड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरपोल्स की वाइंडिंग मोटे तार और मुख्य पोल की तुलना में कम लपेट की होती है, और यह कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है या EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है तो उसको उदासीन करता है यानी न्यूट्रलाइज करता है, जिससे क्या होता है स्पार्किंग की मात्रा होती है वो बहुत घट जाती है और मशीन की दक्षता 25 से 30% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 25 से 30% मशीन की दक्षता बढ़ जाती है दोस्तों, समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 11 नंबर, इसके आंसर बता दीजिए क्या होगा। अब बात आती है एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति
क्या होगी, व्युत्क्रमिक होगी या दोगुनी होगी या वही होगी या आधी हो जाएगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आधी हो जाती है हमेशा। तो आधी क्यों हो जाती है, क्या कारण होता है, यानी प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या को दोगुना कर देती है तो गति आधी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है एक एन एस, सिंक्रोन स्पीड, व्युत्क्रमानुपाती, 1/p, यानी पोल्स जितने बढ़ेंगे उतनी गति घटेगी और गति जितनी बढ़ेगी उतने पोल्स वहाँ पे कम करने पड़ेंगे, यानी इस टाइप से होता है इसका सर्कुलेशन। समझे आगे होगा आप सीखो, NS का मतलब तुल्यकालिक गति हो गई, OP से हो गया पोलों की संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, बास्केट वाइंडिंग का, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का, डायमंड वाइंडिंग का या चेन वाइंडिंग का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अधिकांश सिंगल फेज वाले जो मोटर होते हैं उसमें आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अंत में शेयर जरूर करना, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन सभी में, और जिसने भी अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप azzuexam.com वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है वो। अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल्स को सहकेंद्रीय प्रकार की होती है, और इस प्रकार की वाइंडिंग में क्या होता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और इसकी विशेषता यही होती है कि इसमें अधिक शीतलन स्थान प्राप्त हो जाता है, यानी ठंडा होने के लिए खाली जगह ज़्यादा बच जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसके आंसर बताइए ये क्या होगा। पश्च अंतराल यानी जिसको बैक पिच बोलते हैं, तो यह शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है, डीसी मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग में, या प्रत्यावर्तित वाइंडिंग में, या एसी मोटर की वाइंडिंग में, या डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। पश्च अंतराल बैक पिच शब्द होता है, तो इसका संबंध किसके साथ है इन चारों ऑप्शनों में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ है। तब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप समझें आ जाएगा, यानी बैक पिच बोलते हैं तो यह डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है या काम में लिया जाता है, और आर्मेचर के पीछे की ओर यानी कम्यूटेटर के दूसरी साइड एक वाइल की दो एक्टिव साइड्स होती है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है, उनकी जो बीच की दूरी होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको हमेशा बैक पिच बोला जाता है, बैक पिच बोला जाता है। यह दूरी भी स्लॉट्स अथवा चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फेराडे के पहले नियम को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, या जा सकता है m = ZT, या m = IT, या m = ZI, या m = ZIT, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में संबंधित फेराडे के पहले नियम को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी m = ZI और छोटा टी, टी से हो गया यहाँ पे समय, m का मतलब क्या होता है यहाँ पे मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, I से हो गया यहाँ पे ये जो I है बीच वाला इसका मतलब हो गया विद्युत धारा, और Z का मतलब यहाँ पे क्या होता है रासायनिक तुल्यांक होता है ये एक प्रकार का, जो कि ग्राम या कुलाम में व्यक्त किया जाता है। तो अब सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फेराडे का पहला नियम। तो दोस्तों पहले नियम के अनुसार क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो कि ग्राम में हो सकता है या कुलाम में हो सकता है, जो कि विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और उसके गुणा यानी समय के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब उसके समान अनुपात में होता है। समझिए आगे होगा आप सीखो, अगर हम समान अनुपात का निशान हटाएंगे तो इसका मतलब उसकी जगह पे जेड लग जाएगा बराबर में, तो इसका मतलब एम बराबर में हो गया ZIT, जेड नियतांक हो गया जो कि इसकी जगह पे लगा है, और आई धारा हो गई, और टी उसका समय हो गया कितने सेकेंड तक प्रवाहित हुआ है,
समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक प्रत्यावर्तक में किसी प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की आवृत्ति दी जाती है, तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, एफ बराबर में 120 पी बटा में एन होता है, या एफ बराबर में पी एन बटा में 120 होता है, या एफ बराबर में 120 बटा में पी एन होता है। सॉरी यहाँ पे ये सेम ही हो गया, बी और सी ऑप्शन, एफ बराबर में 120 एन बटा में पी, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों माफी चाहूँगा क्योंकि दो ऑप्शन सेम रहेंगे तो इसका मतलब बी एंड सी दोनों राइट हो जाएंगे। तो इसका सूत्र होता है एफ, फिर कैसे ज्ञात करने का, एफ बराबर में पी एन पोल्स गुणा में स्पीड बटा में हो जाएगा 120। सेम नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए पी एन ऊपर है, यहाँ पे 120 ऊपर है, यहाँ पे पी एन नीचे है, यहाँ पे 120 नीचे है, तो इसका मतलब इसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। माफी चाहूँगा आप सभी से, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। तो इसका मतलब एफ बराबर में पी एन बटा में 120, ये इसका सूत्र होता है फ्रिक्वेंसी निकालने का, पोल्स इंटू स्पीड बटा में 120 का भाग देने पर आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं हर्ट्ज के अंदर। समझे आगे होगा आप सभी को। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, 100%, 90%, 75%, 50% या इससे भी कम। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए इस टेस्ट में। अगर आप सभी यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके और किसी विद्यार्थियों को काम आ सके, हर भर्तियों से रिलेटेड है, चाहे जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा, या जो कैंडिडेट्स कोई भी इलेक्ट्रिशियन बेस पे वैकेंसियाँ आती है, चाहे असिस्टेंट लाइनमैन की हो या डीएमआरसी की हो या जेएमआरसी की हो या यूपीपीसीएल की हो या अदरवाइज कोई वैकेंसी हो, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्यू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। नया भारत नई सोच, जय हिंद वंदे मातरम। अब तो आप अज्जू एग्जाम डॉट कॉम वेबसाइट पर जाके कोई बुक भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन पीडीएफ, यानी कोई भी आप देख लीजिए वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिशियन एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।